कैश यानी कि नकद पैसा हर किसी को चाहिए। आप भी चाहते हैं तो अपने खेत में कैश क्रॉप उगाइए। मानसूनी सीजन की 5 टॉप नकदी फसलें हैं जो आपको मालामाल कर देंगी, आपके पास खूब सारा कैश आएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 5 कैश क्रॉप के बारे में, तो देखते रहिए फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। नकदी फसल कैसे उगाएं, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे आप क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। कैश क्रॉप्स के बारे में बात करें उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, आपके खुद के खेत में आपने कौन सी फसल उगाई है, और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और उसकी क्या खासियत है और क्या उसकी स्थिति है। दोस्तों, जब बात नकदी फसल की हो तो गन्ना नंबर 1 पर आता है। शुगर केन यानी कि गन्ना भारत की सबसे बड़ी नकदी फसल मानी गई है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है और ये बांस वनस्पति का माना जाता है। ये देश की नकदी फसलों में सबसे ऊपर आता है। भारत गन्ना उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र यानी कि जितने इलाके में गन्ना उगाया जाता है उस हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पर है, इसीलिए गन्ना भारत की सबसे बड़ी कैश क्रॉप है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादन करता है, लगभग 50% गन्ना भारत में उत्पादित होता है। जितना पूरी दुनिया में होता है उसका आधा गन्ना भारत में पैदा होता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है, यानी कि उत्तर भारत में भी गन्ने की पैदावार होती है और दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन क्षेत्र है वो उत्तर भारत में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। दक्षिण भारत की जो नम जलवायु है वो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ा देती है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता है। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुख है। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी और एल्कोहल बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। दोस्तों, दूसरी कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल है चावल। चावल सबसे ज्यादा कमाई देने वाली फसल है एक एकड़ में, अगर हम कैश क्रॉप की बात करें। सही तरीके से अगर खेती की जाए तो 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हो जाती है, फसल पैदा होती है। दोस्तों, भारत में जितना सिंचित क्षेत्र का जो इलाका है उसका 45% हिस्सा चावल की खेती के लिए होता है। और सबसे पहले चावल का बीज है वो क्यारियों में उगाया जाता है। इसके बाद जब 25 से 30 दिन की पौध हो जाती है तो उनको वहाँ से उखाड़कर क्यारी से खेत में रोपा जाता है। और चावल का जीवन चक्र है वो 95 दिन से लेकर 250 दिन तक का होता है। अलग अलग वैरायटी है। सबसे कम वक्त में पकने वाली वैरायटी है वो 95 दिन में तैयार होती है और जो देर से पकने वाली किस्में होती हैं वो 250 दिन तक का वक्त लेती है, जबकि मध्यम वक्त वाली जो किस्में हैं वो 100 से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और जब धान का रंग पीला पड़ जाता है तो और दाना जब उसका कड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, तब धान की कटाई शुरू होती है। दुनिया में चावल का सालाना उत्पादन है वो 70 करोड़ मीट्रिक टन है और इसमें से 120 मिलियन टन चावल है वो सिर्फ भारत में पैदा होता है। अकेले पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश है। चावल उत्पादन की बात करें तो भारत का पूरी दुनिया में दूसरा नंबर है। दोस्तों, सबसे हॉट कैश क्रॉप है कॉटन यानी कि कपास। हॉट इसलिए है क्योंकि 2022 में कपास के भाव प्रति क्विंटल 14,000 रुपए तक पहुंच गए थे। ये भाव कपास की जो MSP है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत की कुल कृषि भूमि है उसका लगभग 7% हिस्से में कपास की खेती होती है और भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। और भारत में कपास की प्रमुख तौर पर 3 किस्में हैं
वो बोई जाती है। लंबे और महीन रेशे वाली जो कपास है उसको अमेरिकन कपास कहते हैं, उसको नरमा भी कहते हैं, और इसका उत्पादन है वो बड़ी पैमाने पर होता है। और इसके तीन राज्य हैं जो प्रमुखता से नरमा उगाते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर अमेरिकन कपास यानी कि नरमे की खेती होती है। मध्यम रेशे वाली कपास जिसका कुल उत्पादन का एरिया है वो 40% है। इसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। तीसरी वैरायटी है छोटे रेशे वाली कपास। इसका उत्पादन का जो हिस्सा है वो 10% है, यानी कि बहुत कम इसकी बुआई होती है। देश के लगभग सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी जगहों पर इसका उत्पादन होता है। और देश में कपास उत्पादन की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कपास महत्वपूर्ण फसल है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कपास उगाया जाता है। दोस्तों, कैश क्रॉप की बात हो तो चाय भी महत्वपूर्ण है। आसाम चाय उत्पादन में नंबर 1 पर है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिक ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू की थी। एक्सपर्ट की राय पर 1837 में असम के चबुआ में भारत का पहला चाय बागान स्थापित किया गया और 3 साल बाद 1840 में अंग्रेजों ने असम टी कंपनी की स्थापना की थी और इसके बाद से यहाँ पर चाय का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन शुरू हो गया। 1850 के दशक में भारतीय चाय है वो बड़े पैमाने पर उसका विस्तार हुआ था और 50-60 साल में असम दुनिया का अग्रणी चाय उत्पादक क्षेत्र बन गया है और चाय की खेती के लिए गर्म, आर्द्र यानी कि नमी वाला जलवायु वाला इलाका उत्तम होता है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का असम इसके लिए मुफीद है। और इसका टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा माना जाता है। तो चाय के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए और उसमें पानी ज़मीन में खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके लिए पहाड़ी ढलान वाली ज़मीन है वो बिल्कुल मुफीद होती है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो। दोस्तों, दलहन और तिलहन भी बड़ी नकदी फसलें हैं। भारत में दुनिया का 10% तिलहन उत्पादन होता है। तिलहनी फसलों की बात करें तो इसका दो हिस्से हैं, खरीफ और रबी, ये दोनों अलग अलग मौसम में उगाई जाती है। तिलहन में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन प्रमुख फसलें हैं। मूंगफली और सरसों दोनों फसलें हैं, उसका कुल तिलहन उत्पादन में 50% से 80% हिस्सा है। मूंगफली ब्राज़ील की प्रमुख फसल मानी गई है, ब्राज़ील मूल की ये फसल है, लेकिन दुनिया का 30% मूंगफली उत्पादन सिर्फ भारत में होता है और देश में भी जो मूंगफली का उत्पादन है उसका 85% पैदावार है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में होती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और इंदिरा गांधी नहर का जो इलाका है उसमें मूंगफली बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। दलहनी फसलों की बात करें, मोठ, उड़द, मसर, अरहर और चना प्रमुख नकदी फसलें हैं और इनकी खेती भारत के जो अलग अलग राज्यों में है प्रमुखता से की जाती है। तो दोस्तों, ये टॉप 5 भारत की कैश क्रॉप थी जिनके बारे में हम बता रहे थे। ये मानसूनी सीजन में उगाई जाती है ज्यादातर और आप इनकी खेती करके खूब पैसा कमा सकते हैं। तो खेती के ताज़ा अपडेट जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही खेती की जो लेटेस्ट टेक्निक है उनको जानने के लिए और खेती से जुड़े कोर्सेज के साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के कोर्स करने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो 6 भाषाओं में हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। तो आप इस ऐप के साथ जुड़िए और ये कोर्सेज करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और साथ ही एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इलाके में कौन सी फसल है वो बेहतर होती है, सबसे अच्छी होती है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, हम आपसे संपर्क करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।